इरवाड़ी इरवाड़ी, चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। कहानी का शीर्षक है मेहनत का मंत्र। लेखक ग्रेस्ट्रोक, चित्र बनाए हैं पीजी दिनेश, हिंदी में अनुवाद किया है शोभित महाजन। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। ये बात बरसों पुरानी है। इरावदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में थुजा और थेंगी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। थेंगी अपना सारा समय मिट्टी से सोना बनाने की विधि ढूंढने में निकाल देता था। दिन भर वो तरह तरह के प्रयोग करता और सपनों में अपना समय गवाता, पर जादू टोना सफल होता नजर नहीं आ रहा था। कोई मंत्र, कोई तरकीब कामयाब नहीं हो रही थी। मिट्टी मिट्टी ही रहती, सोना बनने का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। इधर खुश रहने वाली थुजा अब चिंतित दिखाई देने लगी थी। घर का सारा पैसा खत्म हो चला था। 2 जून खाना जुटाना भी मुश्किल होने लगा। एक दिन थुजा से न रहा गया और उसने बड़े प्यार से अपने पति को समझाने की कोशिश की। तुम्हें जल्दी ही नौकरी तलाश करनी चाहिए, कब तक हम लोग इस तरह 2 रोटी के लिए तरसेंगे? उसने कहा, बस थोड़ा इंतज़ार और करो, मिट्टी को सोना बनाने का उपाय जल्द ही मेरे हाथ आने वाला है, फिर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हमें कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, थेंगी ने जवाब दिया। निराश होकर थुजा अपने पिता से सलाह लेने पहुंची। थुजा के विद्वान पिता थेट, उनको जब पता चला कि थेंगी जादू टोने के भरोसे बैठा है तो वो काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने अपनी बेटी की समस्या हल करने की ठानी और थेंगी को बुलावा भेजा। अगले दिन डरता डरता थेंगी अपने ससुर के पास पहुंचा। थेठ ने उसे अलग ले जाकर बताया कि कुछ साल पहले वो भी जादू टोना करते थे और मिट्टी से सोना बनाने में खास रुचि रखते थे। पूरी दोपहर वो बड़े ध्यान से थेंगी के विचारों और विधियों के बारे में जानकारी लेते रहे। सुनते सुनते उनके चेहरे पर अचानक एक चमक सी आई और उन्होंने थेंगी से कहा, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, सफलता के बहुत करीब हो, बस तुम्हें 1 किलो सफ़ेद चूर्ण की ज़रूरत है। ये चूर्ण केले के पत्तों पर मिलता है। इस चूर्ण में ऐसी जादुई शक्ति है जो मिट्टी को सोना बना देती है। बुढ़ा होने के कारण मैं तो ये काम कर नहीं सकता, पर तुम जरूर कर सकते हो। क्या तुम में 1 किलो जादुई चूर्ण इकट्ठा करने की क्षमता है? एक बार तो थेंगी उलझन में पड़ गया। 1 किलो चूर्ण इकट्ठा करने का मतलब था उसे हजारों केले के पेड़ बोने पड़ेंगे। जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तब उनके पत्तों से चूर्ण इकट्ठा करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत और कई साल के परिश्रम के बाद ही कुछ हाथ लगेगा। पर ये सोचकर कि उसके बाद वो बहुत मालामाल हो जाएगा, उसमें जोश आ गया। थेट के सामने उसने हामी भर दी। थेट ने थेंगी को काम शुरू करने के लिए पैसे दिए और केले के पेड़ बोने के समय पढ़ने वाला मंत्र भी बताया। अगले ही दिन से थेंगी जी जान से काम में जुट गया। उसने खेत खरीदा, केले के पौधे लगाए और उनकी खूब अच्छी तरह से देखरेख करी। जब पौधे बड़े हुए, उनमें केलों के गुच्छे लगे, तब उसे पत्तों पर सफ़ेद चांदी सा चमकता हुआ चूर्ण दिखाई दिया। वो बहुत मेहनत से चूर्ण इकट्ठा करके एक पेटी में भरता चला गया। कुछ ही महीने बाद थोड़ी और ज़मीन खरीदी और उसमें और केले लगाए। देखते ही देखते 1 किलो चूर्ण भी इकट्ठा हो गया। भागते भागते वो अपने ससुर थेट के पास ये खुशखबरी लेकर पहुंचा। थेट ने उसे बहुत शाबाशी दी।
मिट्टी से सोना बनाने की विधि अब मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। थुजा को ले आओ, हमें उसकी मदद भी चाहिए, थेट ने थेंगी से कहा। संदेशा मिलते ही थुजा फौरन चली आई। थेट ने थुजा से पूछा, बेटी जब थेंगी ने चांदी सा चूर्ण पेड़ों से इकट्ठा किया तो तुमने केलों का क्या किया? पिताजी मैंने उन्हें बेच दिया, जो पैसे मिलते थे उससे हम अपना गुजारा करते थे, थुजा ने जवाब दिया। पर बेटी थेंगी ने तो बहुत पेड़ बोए थे, इतने सारे केले बेचकर तुमने कुछ तो बचत की होगी, उसे हमें दिखाओगी? थेट ने उससे पूछा। जी पिताजी बहुत बचत हुई, मैंने उसे संभाल कर रखा है, आइए देखिए। ये कहते हुए थुजा दोनों को घर ले गई और कई सारी थैलियां निकाली। थेट ने एक थैली खोली, झांक कर देखा और मुस्कुराते हुए मेज पर उड़ेल दिया। सोने की मोहरे मेज पर बिखर गई। सारी थैलियां उलटने पर सोने का एक बड़ा सा ढेर बन गया। फिर थेट बाहर गया और उसने खेत से एक मुट्ठी भर मिट्टी लाकर सोने के ढेर के पास डाल दी। थेंगी देखो बेटा, तुमने मिट्टी से सोना बना दिया। थेट के ये कहते ही थेंगी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि मेहनत ही इंसान को सब कुछ दे सकती है, कोई मंत्र और जादू टोने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थेंगी ने केलों के पत्तों पर पड़े हुए चूर्ण को तो इकट्ठा करना बंद ही कर दिया, पर अपने खेतों की देखरेख में कोई कमी नहीं की। पति पत्नी मेहनत करके खुशी खुशी अपनी गुजर बसर करते रहे। थेट की सीख और आशीर्वाद के सहारे उनकी बाकी जिंदगी हंसते खेलते बीत गई। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। इरवाड़ी इरवाड़ी।